व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाउ लाल कृष्ण आडवाणी जी सेव्ड इंडिया। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। द श्याम शर्मा शो चैनल से है, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। भाई की वीडियो में भाई सब जो एडिटिंग होती है प्लस जो एक अंदाज है ना नरेट करने का, नेक्स्ट लेवल। करते हैं साथ में एंजॉय। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। आप आज भारतीय जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल हैवीवेट की तरह जानते हैं। द एनडीए हैज वन द इलेक्शन ऑफ 2014। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टॉर्मिंग बैक टू पावर, हिज पार्टी विनिंग ओवर 300 सीट्स। नरेंद्र मोदी ने की है शानदार, जानदार, धमाकेदार वापसी, ऐसी वापसी जो दशकों तक याद की जाएगी। With a clear win in 3 out of 4 state elections, India's ruling party, the Bharatiya Janata Party, has cemented its foothold on the national elections. आज हमने अपनी आंखों से 500 साल के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए भी देखी है। इनकी तो फैन फॉलोइंग ही नेक्स्ट लेवल है भैया। लाल कृष्ण आडवाणी की कहानी। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ और आप सबको सेक्युलर एक सेक्युलर प्रणाम। तो इस बायोग्राफी सीरीज में हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी की। आडवाणी जी का जन्म 1926 में अनडिवाइडेड इंडिया के कराची में हुआ था। वो बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे और इसीलिए बहुत छोटी सी उम्र में ही उनका अपने धर्म और अपने देश के प्रति बहुत सेवा भाव था। उन्होंने 14 साल की एज में ही आरएसएस को ज्वाइन किया था और काफी कम समय में आरएसएस के एक प्रचारक भी बन गए थे। उनके कार्यकाल के समय कराची में आरएसएस काफी इन्फ्लुएंशियल भी बन रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय भारत का बंटवारा हो गया। Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. और पार्टीशन की वजह से आडवाणी जी का बहुत दिल टूटा था और पार्टीशन के हॉरर्स को देख के उन्होंने कसम खाई कि दोबारा कभी भी भारत के साथ ऐसी चीज नहीं होने देंगे। और भारत को और भारत की सोसाइटी को मजबूत और यूनाइटेड बनाने के लिए उन्होंने भारत में भी आरएसएस ज्वाइन किया। लेकिन आडवाणी जी पार्टीशन को देखकर और मुस्लिम लीग की इस्लामिक अलगाववाद को और एक्सट्रीमिज्म को देखकर इतना तो समझ गए थे कि अगर भारत को अगले पार्टीशन से बचाना है तो हिंदुत्व को सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और इसीलिए कुछ सालों के बाद उन्होंने पॉलिटिकल आउटफिट जनसंघ को भी ज्वाइन किया। जनसंघ के प्रति उनकी ईमानदारी और उनका डेडिकेशन और उनका हार्ड वर्क देखकर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत इंप्रेस हुए थे। इसीलिए बहुत जल्द ही और बहुत कम समय में वो जनसंघ के भी एक बड़े लीडर बन गए। उनके रेपुटेशन और उनके काम की वजह से उन्हें 1973 में जनसंघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है और उसके जल्द बाद ही इंडिया में एक बहुत बड़ी घटना होती है, इमरजेंसी। लोगों के सामने अब एक ऐसा नेशन होता है जिसकी डेमोक्रेसी पिंजरे में बंद तोते के समान रह जाती है। वो अपने फंडामेंटल राइट्स खो चुके होते हैं, प्रेस अपनी फ्रीडम खो चुकी होती है और कई नेता सलाखों के पीछे होते हैं जो देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इमरजेंसी के समय पे जनसंघ के कई बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। आडवाणी जी को भी अरेस्ट किया गया था। आडवाणी जी ने दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर भारत की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी के खिलाफ भी लड़ाई की थी और 1977 में जनसंघ ने दूसरे ऑपोजिशन दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई। ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी ही हम बना देंगे और जनता के सामने हम पेश करेंगे। और पहली बार कांग्रेस को नेशनल इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ा। द रिप्लेसमेंट आफ्टर 30 इयर्स इन पावर ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। द फीलिंग ग्रू दैट मिसेस गांधी वाज इनक्रेडिबली आउट ऑफ टच विद द मैसेस विद हुम शी ऑलवेज आइडेंटिफाइड। ये युग परिवर्तनकारी संकेत हैं। जनता की ललक, आपकी आशाएं आकांक्षाएं अब मूर्त रूप ले रही हैं। मुरारजी देसाई की लीडरशिप में जनता सरकार में आडवाणी जी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा। लेकिन कुछ ही महीनों में इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से ये सरकार भी गिर जाती है। उसके बाद अटल जी और आडवाणी जी ने मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी तथा लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। 1977 में जनसंघ ने दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्टोरल जंग छेड़ी। भारतीय जनता पार्टी का मेन गोल था कि कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव डेवलप किया जाए और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फाइनली पॉलिटिकल आवाज दी जाए। और जिस समय पर ये पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस जैसे जगरनॉट से लड़ने की तैयारी कर रही थी, उसी समय पंजाब में बहुत खराब हालात भी चल रहे थे। आडवाणी जी ने पंजाब में बिगड़ते हुए हालातों के बारे में भी डिटेल में लिखा था। जी का मानना था कि अगर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने शुरुआत में ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो 1980s की इंसर्जेंसी की हालत पंजाब में नहीं आती और शायद आज जिस तरह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म फैल रहा है, शायद वो भी नहीं फैलता। 1984 में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक पहला बड़ा इलेक्शन लड़ा जिसमें उनकी सिर्फ 2 सीटें आईं। साल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी का
ये पहला आम चुनाव था और इस पहले आम चुनाव में उतरी बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी अपना चुनाव हार गए। उस समय पर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। इंदिरा गांधी, the Prime Minister of India, has been shot and very gravely wounded. Former Indian Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by her own security guard. और कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे राजीव गांधी, उनकी तरफ भारत के सभी लोगों को सिंपथी थी और इसलिए राजीव गांधी ने बहुत बड़ी मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाई। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद राजीव गांधी ने बीजेपी पर तंज भी कसा क्योंकि उनकी 2 सीटें आई थी। तो राजीव गांधी एल के आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी पर अक्सर जोक किया करते थे, हम दो हमारे दो, विच टू बी ऑनेस्ट इज अ गुड जोक। बीजेपी की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की प्रेसिडेंटशिप अपने अंडर ली और उन्होंने अपनी नाउ आइकॉनिक रथ यात्रा शुरू की ताकि बीजेपी को पूरे देश में एक्सपोजर और पॉपुलैरिटी मिल सके। बीजेपी 80s के डेकेड में एक ऐसा मुद्दा ढूंढ रही थी जिस मुद्दे से पूरा देश उनके साथ जुड़ सके और वो मुद्दा बीजेपी को फाइनली मिला राम जन्मभूमि मूवमेंट के रूप में। लोग भी जुड़ पाए, कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे। जो अयोध्या में जो मंदिर है वो हिंदुओं का है, वो आज से नहीं, सदियों पुराना है, उसको मुसलमान लोग भाई तोड़ के बनाया, उसको तो हम मानने को तैयार नहीं है। 1990 में आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा की शुरुआत की जिसमें उन्होंने डिमांड किया कि बाबरी मस्जिद जो ओरिजिनल राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है उसको हटाकर उस जगह पर दोबारा एक भव्य राम मंदिर बनाया जाए। इस मस्जिद को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया है और अब भारत के हिंदू ये इंसल्ट नहीं सहेंगे। रथ यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी थी, समस्तीपुर में एक बड़ी रैली होनी थी, बीजेपी और उसके सहयोगी पूरी तरह से तैयार थे क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है। बहुत दंगे हुए थे भाई उस टाइम पे, बहुत दंगे हुए। जब कार सेवा का कार्यक्रम होगा हम आएंगे कार सेवा में मंदिर के निर्माण। ये यात्रा काफी डेयरिंग थी क्योंकि ये यात्रा ऐसे समय पर निकाली गई थी जब भारत की लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी आज के समय से भी खराब थी। भारत में आज दिन दंगे हुए करते थे, बड़े बड़े आतंकवादी अटैक्स भी इस डेकेड में हुए थे और ऐसे माहौल में आडवाणी जी ने भव्य और बड़ी बड़ी रथ यात्राएं निकाली थी। 1991 में आडवाणी जी ने एकता यात्रा नाम की भी एक रथ यात्रा निकाली थी जिसमें वो पूरे देश को यूनाइट करने की बात कर रहे थे। ये यात्रा उन्होंने श्रीनगर से स्टार्ट की थी। इस यात्रा का एक और मकसद था कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके बारे में पूरे देश को अवेयर करना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता यात्रा की। आडवाणी जी की प्रो नेशनलिज्म और प्रो हिंदुत्व के आइडियाज से उनको पूरे देश से सपोर्ट मिलने लगा। उन्होंने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में नरेंद्र मोदी भी एज अ कार्यकर्ता शामिल हुए थे। 1990 में बिहार के समस्तीपुर में उस समय के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी की रथ यात्रा रोक कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था। आप ही गिरफ्तार कीजिए वरना मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। ऐसा है, ठीक है, आडवाणी जी को अभी गिरफ्तार कराए दे रहे हैं। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था। रथ सज धज के तैयार है जैसे अंतिम विदाई किसी को दिया जाता है। लेकिन इसका इफेक्ट बिल्कुल उल्टा पड़ा। इस गिरफ्तारी के बाद आडवाणी जी की पॉपुलैरिटी में और भी बड़ा जंप आया और इन बड़ी बड़ी रथ यात्राओं की वजह से बीजेपी की पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ी। इनफैक्ट उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि 1984 में सिर्फ 2 सीटें आने के बाद 1996 के इलेक्शंस में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 13 दिनों में ही गिर जाती है, लेकिन बीजेपी अब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल आउटफिट बन चुकी थी और एक लेजिटिमेट कांग्रेस पार्टी का अल्टरनेटिव बन चुकी थी। और 1998 में फिर से बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस परफॉर्मेंस के बाद 3 बार लगातार एलके आडवाणी जी को बीजेपी के अध्यक्ष की तरह चुना गया। बीजेपी को 4 बार राज्यसभा के लिए और 5 बार लोकसभा के लिए भी चुना जाता है। मैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, मैं लाल कृष्ण आडवाणी। और ये कहना बिल्कुल सही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा हाथ है बीजेपी को एक नेशनल पॉलिटिकल आउटफिट बनाने। आडवाणी जी अपने करियर में और भी कई बड़ी बड़ी यात्राएं निकाल चुके हैं। 2006 में उन्होंने भारत सुरक्षा यात्रा निकाली थी जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, जहां पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। 2 मई को लाल कृष्ण आडवाणी का रथ जयपुर पहुंचा। जयपुर में भी रथ का स्वागत करने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। 1997 में उन्होंने स्वर्ण जयंती रथ यात्रा भी निकाली थी जिसमें आडवाणी जी इंडिया ने किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया है उसको शोकेस करना चाहते थे। जन जागरण और देश के कोने कोने में राष्ट्र प्रेम के संदेश को पहुंचाने के लिए यात्रा के माध्यम का उपयोग किया है।
जब बीजेपी ने 1990s में गवर्नमेंट बनाई उस समय भी एलके अडवाणी जी उस गवर्नमेंट की कुछ सबसे बड़े डिसीजंस में इन्वॉल्व थे। एलके अडवाणी जी जिन्होंने अपनी आंखों से पार्टीशन को होते हुए देखा था, उनका एक बड़ी प्रायोरिटी थी नेशनल सिक्योरिटी को तंदुरुस्त करना। बीजेपी गवर्नमेंट ने मॉडिफाइड पुलिस स्कीम को लॉन्च किया जिसमें पुलिस फोर्सेज को एडवांस वेपन्स, नई पुलिस बिल्डिंग्स, बेहतर पुलिस हाउसिंग और बेहतर कम्युनिकेशन डिवाइसेज अलॉट किए गए। जैसा कि मैंने कहा, ये ऐसा समय था जहां पर बहुत रेगुलरली भारत में आतंकवादी अटैक्स होते थे। मामला 22 दिसंबर साल 2000 का है जब लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने लाल किले पर हमला कर दिया था। 2001 के संसद हमले में साजिश का दोषी था अफजल गुरु। इसलिए गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, जिसे पोटा भी कहा जाता है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके इंप्लीमेंटेशन के पीछे भी अडवाणी जी का बहुत बड़ा हाथ था। पोटा से अथॉरिटीज को पहले से ज्यादा पावर और फ्रीडम मिली टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसे इनिशिएटिव को भी बेहतर करने में अडवाणी जी ने एक मेजर रोल प्ले किया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए गए, बॉर्डर्स पर हैवी फेंसिंग और एडवांस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया। और भी कई बड़े स्टेप्स थे जैसे पोखरान 2 का सक्सेसफुल परीक्षण और इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाना जिससे इंडिया की डिटेरेंस कैपेसिटी बेसिकली 100 गुना बढ़ गई। पोखरण में चाहे हमारी सेना में हो, चाहे वैज्ञानिकों में हो, चाहे इंजीनियर्स में हो, कोई बिकाऊ आदमी नहीं निकला। हमको ऐसा नहीं हुआ कि जो हमको जांच करनी पड़े कि कैसे पता लग गया लोगों को। अब जांच उनको करनी पड़ती है कि हमको कैसे पता नहीं लगा। हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। रक्षा के लिए भी हो सकता। उनके ही टेन्योर में भारत ने अपना पहला अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट भी किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स, तेजस एयरक्राफ्ट और अर्जुन जैसे हाईटेक टैंक भी इस समय पर टेस्ट किए गए। बीएसएफ, सीआईएसडी, सीआरपीएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज का भी एक्सपेंशन किया गया इस समय पर। होम मिनिस्टर और डिप्टी पीएम की कैपेसिटी में उन्होंने दूसरे देशों का भी दौरा किया और अमेरिका जैसे देशों के साथ बेहतर रिलेशनशिप भी डेवलप की। US businesses can begin selling nuclear fuel, technology and reactors to India. The Senate voted to overturn the 3-decade ban on atomic trade with India on Wednesday. Civil nuclear samjhota Bharat aur America ke beech हो गया है, ऐसा ऐलान किया गया। द डील इज डन। जो रिलेशनशिप 80s और 90s के दशक में काफी खराब हो गई थी और इस बेहतर रिलेशनशिप को फिर यूपीए की गवर्नमेंट ने भी आगे बढ़ाया जब इंडिया और यूएस के बीच में ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील साइन की गई। अडवाणी जी आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी जैसे नेशनल इश्यूज पर भी काम करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको इंप्लीमेंट करने के पहले बीजेपी पावर से बाहर चली गई। इसीलिए जब 2019 में आर्टिकल 370 का कलंक भारत के माथे से परमानेंटली हटाया गया तब उन्होंने पर्सनली मोदी गवर्नमेंट को धन्यवाद कहा था। लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत खुशी जाहिर की है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को कंग्रेचुलेट किया है। आडवाणी जी का इतने सारे डेकेड्स का करियर रहा है और इतने बड़े करियर में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। उनके करियर में कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। 1996 में जनरल इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने एलके आडवाणी के ऊपर हवाला के चार्जेस लगाकर उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की थी। चार्जेस लगते ही आडवाणी जी ने पॉलिटिक्स से ब्रेक लिया था और इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लड़ा और जीता। 2005 में एलके आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं जहां पर उन्होंने जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाई और मोहम्मद अली जिन्ना को एक सेक्युलर लीडर भी कहा था, जिस स्टेटमेंट की वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई इंडिया में। उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने आज तक को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि उन्हें जिन्ना को देशभक्त करार देने के अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। उनको अपने खुद की पार्टी से बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, उनके सपोर्टर्स से भी बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। आडवाणी जी नेहरू को भी काफी प्रेस करते थे जिसकी वजह से उनको काफी क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा। नेहरू जी की उपलब्धि थी कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के बाद तुरंत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाई। आडवाणी जी की लीडरशिप में पाकिस्तान के साथ इंडिया ने एक पीस ट्रीटी भी साइन की थी, लेकिन जिस तरह सलमान खान का कुंवारापना नहीं जाता उसी तरह से पाकिस्तान का हरामीपना नहीं जाता। तो पाकिस्तान जैसे दोगले और आतंकवादी देश के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करने के लिए भी उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद इस बात पे कोई डाउट नहीं उठाया जा सकता कि आडवाणी जी ने अपनी पूरी जिंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भारत के धर्म और भारत माता की सेवा में लगा दिया। इस कॉन्ट्रीब्यूशन को 2015 में एक्नॉलेज भी किया गया जब एलके आडवाणी जी को पद्म विभूषण दिया गया। Among the recipients of the Padma Vibhushan
वो सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी एलके अडवाणी। और इसलिए ये माना जाता है कि बीजेपी अगर आज आर्टिकल 370 को हटा पाई है, राम मंदिर बनवा पाई है, इस सोच की नींव, इस संघर्ष की नींव, इस उज्जवल भारत की नींव रखने के पीछे लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और इसीलिए आडवाणी जी को जब भारत रत्न भी मिला तो इस बात में किसी को कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आए, क्योंकि एलके अडवाणी एक इतने बड़े और टावरिंग पॉलिटिकल फिगर हैं, तो ऑपोजिशन लीडर्स ने भी, जो बीजेपी से किसी भी मामले पर अग्री नहीं करते, उन्होंने भी आके इस अवार्ड की तारीफ की। अडवाणी जी को जो दिए ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ओवैसी जैसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो खुश नहीं थे। AIIMR चीफ असदुद्दीन ओवैसी आल्सो हैज जंप्ड इन टू क्लेम दैट द गवर्नमेंट इज सेंडिंग आउट अ रॉन्ग मैसेज बाय अवार्डिंग भारत रत्न टू एलके अडवाणी। सेवरल पीपल डाइड एट प्लेसेस वेयर ही हैड टेकन आउट हिज रथ यात्रा फ्रॉम इन द 1980s। अखिलेश यादव जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके पिताजी ने साम दाम दंड भेद सारी कोशिशें की थी राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए, वो भी खुश नहीं थे। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। RJD जिस पार्टी ने समस्तीपुर में आडवाणी जी की रथ यात्रा रुकवा कर उन्हें अरेस्ट किया था, उनके भी MP खुश नहीं थे। हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे आडवाणी जी, मंदिर मस्जिद विवाद। और भी कई लोग थे जो सोशल मीडिया पर आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने से खुश नहीं थे। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ इस बात को हाईलाइट करता है कि आडवाणी जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुत्व मूवमेंट को ना सिर्फ सोशली लेकिन पॉलिटिकली सक्सेसफुल बनाने में। अगर इनकी रथ यात्राएं ना होती तो क्या राम जन्मभूमि मूवमेंट के लिए भारत के लोगों में इतना जुनून आता? क्या 1996 में बीजेपी एक मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल आउटफिट बन पाती? क्या 1998 में बीजेपी गवर्नमेंट बना पाती? आज की जो अचीवमेंट्स बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कर पा रही है, जैसे राम मंदिर को बनवाना, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करवाना, फ्यूचर में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना, शायद ये सब लाल कृष्ण आडवाणी जी के बिना पॉसिबल ना हो पाता। इसलिए मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ कि एलके अडवाणी जैसे महान देशभक्त की भारत की तरफ विशाल कॉन्ट्रीब्यूशन को भारत रत्न से रिकॉग्नाइज किया गया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से भारत की तरफ उनकी सबसे बड़ी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैं एक बार बता दो, किसकी लाइफ ऐसी है जिसकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज ना रही हो? एक आम आदमी से लेकर एक सेलिब्रिटी हो, चाहे शाहरुख खान हो चाहे सलमान खान हो, जिसको एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक सुपरस्टार जिसको लोग बहुत फॉलो करते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज बीजेपी इस लेवल पर पहुंची है ना, बहुत बड़ा योगदान है। राम मंदिर बना है, बहुत बड़ा योगदान है। क्यों आप मुझसे पूछो? एक टाइम था सोशल मीडिया नहीं थी इतनी, तब सोशल मीडिया नहीं थी तो अपनी बात पहुंचाना, अपने आप को पॉपुलर करना पूरे मासेस में बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इसलिए ऑलरेडी एक पार्टी इतनी पॉपुलर है पूरे, तो उनकी रथ यात्रा निकालना, राम जन्मभूमि के ऊपर स्टैंड लेना, राम मंदिर के लिए कोशिश करना, हर एक चीज, तभी वो पहुंच पाए। आज के टाइम पर आप एक भाषण दे दो, आपका भाषण अगर लोग कनेक्ट करता है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर आपको पॉलिटिक्स में आना, स्टैंड आउट करना, तो वही चीज़ है। उनकी गिरफ्तारी भी हरी चीज हुई, ठीक है। पॉलिटिक्स, कोई ये कह देगा कि उन्होंने राम जन्मभूमि पर पॉलिटिक्स करी, भाई वो हक के लिए तो लड़े, हक जो था, जो सच्चाई थी उस चीज के लिए। कितने लोगों को नहीं पता था, जो काफी लोग सिर्फ कांग्रेस के फैन बन बन की वोट दे रहे थे कि अच्छा ये है, अब इंदिरा गांधी के साथ ऐसा हुआ है तो इनको सिंपैथी पे उनको दे दिया वोट, उसको दे दिया, उसको दे दिया। एक पहले ये लोगों को ये नहीं पता था किसको और किसको वोट दे। एक बार बताओ, मतलब होता बस फैमिली वाला होता कि यही फैमिली कंटिन्यू करती, क्योंकि कांग्रेस पॉपुलर थी, उसके अलावा कोई और पार्टी थी नहीं। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पर आप सिनेमा हॉल में पिक्चर लगती है, शाहरुख खान की, सलमान खान लग जाए, फ्लॉप हो कैसे भी हो, बाद में मूवी स्टार्टिंग में आदमी रहता है भाई शाहरुख खान की पिक्चर आई है, बंदा भगलेगा, बाद में रिव्यूज कैसे भी आए, फिर बंदे धीरे धीरे नहीं देखने जाते, ठीक है। लेकिन वो पॉपुलर है। अब आज बता दो, आज आ जाए राजकुमार, उसकी आर राजकुमार की मूवी आ जाए, नो डाउट बहुत गजब एक्टर है, स्क्रिप्ट बहुत गजब होती है, राजकुमार की पिक्चर आके ठीक है रिलीज हो गई है, जब तक कि उसके रिव्यूज बहुत अच्छे नहीं, तब तक बंदा जाएगा जाएगा नहीं। क्यों? वो मासेस में पॉपुलर नहीं हुआ, अब जाके बंदा पॉपुलर है, अब लोग मूवी देखते हैं, कोई नया हीरो आया है उसकी मूवी बहुत गजब स्टोरी होगी, लेकिन वो मूवी देखने जाएगा क्यों? क्योंकि मासेस में अपील नहीं है, है ना। तो वही चीज है, जब आप जब तक पॉपुलर नहीं हो ना, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एक बात बताओ यूट्यूब पे आप भैया कितनी भी बढ़िया शूट करके वीडियो बना दो, जब तक कि आपके फॉलोअर्स नहीं है, आपकी रीच उतनी बड़ी नहीं है, ये लोग आपको उस तरह से जानते, तब तक एकदम से भागी भागी नहीं आएगी ना। आज कैरी में आती भाई वीडियो डाल दे, एक अगर स्टोरी लगा दी ना कल इंस्टाग्राम पे, कल इतनी वीडियो आएगी, तो ये लगा लो कितने सारे लोग तैयार बैठे हुए उस टाइम पे कि वीडियो आने वाली कैरी में आती की। तो ये एग्जांपल ये है कि आपको पॉलिटिक्स करनी हो, बदलाव लाना, कुछ आपको पॉपुलर तो होना पड़ेगा। आप बड़े से बड़े एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आम आदमी पार्टी का भाई साहब अन्ना हजारे के साथ बैठकर कितना प्रोटेस्ट कर करके अरविंद केजरीवाल ने लाइमलाइट ली, पॉलिटिक्स में आए, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आते कुछ नहीं होता ना, पहले धरना कर भाई समझो। वो रथ यात्रा थी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए भी, पॉलिटिक्स में अच्छे से एंटर करने के लिए भी, मास लेवल में पॉपुलर होने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया?
यही करा, वही चीज है। हर एक की लाइफ में कॉन्ट्रोवर्सी भी होगी, सब यही चीज होती है। आपको ये समझो, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आप रोड पे चलोगे ना, आपको अच्छा इंसान नहीं मानेगा जब तक कि आप लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करोगे। दो लोगों से अच्छा व्यवहार करोगे तो दो के अच्छे हो, हर एक से करोगे तो मास में अच्छे ओवरऑल फिर सारे लोग, क्योंकि वो दो लोग उसके साथ ही बैठते हैं, उसके साथ ही सभी बोलेंगे भाई वो इंसान अच्छा है, मेरी इस काम में मदद करी। तो एक सर्कल होता है, पॉलिटिक्स भी एक सर्कल है, और उनका भाई नो डाउट योगदान इतना रहा ही है। और बहुत बढ़िया वीडियो थी दशांश शर्मा शो में, वैसे इंटरेस्टिंग तरीके से हर चीज़ होती है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।